नमस्कार, वार्तालाप टीवी में आप सभी का स्वागत और मैं हूँ शिखा। वेलकम टू आवर शो एंटरटेनमेंट। वाह भाई वाह, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की खबर एकदम अलग अंदाज में। वॉच विद मी। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अंकिता ने तोड़ी अपनी चुप्पी और वहीं कांटा लगा कि अभिनेत्री ने दोबारा से फैंस का दिल जीता है। और वहीं रिया चक्रवर्ती का आज एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुशांत केस में आया एक और नया मोड़, रिया ने तोड़ी अपनी चुप्पी। वीडियो शेयर कर कहा, न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है और सत्यमेव जयते। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा विश्वास है, मामला कोर्ट में है इसीलिए वह चुप है, सच के सामने आने का पूरा भरोसा है। अभिनेत्री का ये वीडियो इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। रिया चक्रवर्ती ने व्यवस्था पर भरोसा रखने के साथ साथ सत्यमेव जयते को भी बोला। रिया ने पहली बार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर रिया का ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने तोड़ी चुप्पी। मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूँ कि वो डिप्रेशन में नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे करीबन 45 दिन हो चुके हैं। करीबन डेढ़ महीने के बाद आखिरकार उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। अंकिता ने कहा, जब ये न्यूज़ उनके सामने आई थी कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है, तो मुझे ये बात अपनाने में ही एक वक्त लग गया था। सुशांत आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। जब तक मैं कुछ सोच पाती कि क्या हुआ, उतनी देर में तो 15 मिनट में उसकी फोटोज वायरल होने लगी, जिसके साथ बताया जा रहा था कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। ये कहा जाने लगा कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में था। जब मैं और सुशांत साथ में थे, हमने इससे भी खराब दौड़ देखा था, लेकिन हम दोनों उससे निकले और वो किसी भी बात से अपसेट हो सकता था पर डिप्रेशन में नहीं जा सकता था। ये बड़ा बयान अंकिता की तरफ से आया है। मनमुटाव की खबरों के बीच राजीव ने अपनी पत्नी चारू की शेयर फोटोज। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और टीवी अभिनेत्री चारू असोपा के बीच पिछले कुछ समय से मनमुटाव की चर्चा थी। हालांकि इन दोनों ने कभी भी इस बात पर कोई बयान नहीं दिया और ना ही ऐसी कोई हिट दी। अब इन खबरों पर विराम लगाते हुए राजीव ने पत्नी चारू असोपा के संग एक वेडिंग फोटो शेयर की है। वहीं चारू ने भी शादी की अपनी एक फोटो को साझा किया है। बिना कैप्शन के राजीव ने ये फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। इन तस्वीरों को देख फैंस में खुशी छाई हुई है। वे लंबे समय से दोनों के एक साथ फोटोज देखकर राहत की सांस ले रहे हैं। यूजर ने कमेंट करते हुए अपनी खुशी जताई। कांटा लगा गर्ल अपने आप को रोक नहीं पाई जब उन्होंने सुना एक पंजाबी गाना। शेफाली जरीवाला जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कांटा लगा गर्ल रह चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी शेफाली जरीवाला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक्ट्रेस ने अपने अंदाज और स्टाइल के लिए खूब जानी जाती हैं। उनकी फोटोज और वीडियो खूब वायरल भी होते हैं। अभिनेत्री एक वीडियो को लेकर भी हाल ही में देखने को मिला है। दरअसल सैफाली अपने इंस्टा अकाउंट से एक वीडियो शेयर करती हैं जिसमें वह पंजाबी गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सैफाली जरीवाला का अंदाज देखने लायक है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अपने डांस और अपने स्टाइल के लिए खूब जानी जाती हैं। फिटनेस के मामले में हमेशा आगे रहने वाली मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की मोस्ट स्टाइलिश अभिनेत्रियों में से एक है। इससे ही इधर मलाइका अरोड़ा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें वह अपनी बालकनी में किचन नैपकिन सुखाती हुई नजर आ रही हैं। उनकी इन तस्वीरों को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है, जिसके साथ ही मलाइका अरोड़ा की इन तस्वीरों पर फैंस भी खूब कमेंट कर रहे हैं। मलाइका अरोड़ा इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है मानो घर का काम पूरा करने के बाद बालकनी में किचन नैप
नमकीन सुखाने आई हूँ। सोनू सूद ने बर्थडे पर शेयर की 23 साल पुरानी तस्वीर। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की मदद करके रियल लाइफ हीरो बन चुके सोनू सूद ने ट्विटर पर अपनी काफी पुरानी तस्वीर शेयर की है। तस्वीर के कैप्शन में सोनू ने लिखा, और तब मैंने एक एक्टर बनने की हिम्मत दिखाई। सोनू की इस तस्वीर पर लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए। लोगों ने उनकी और भी कई पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। एक यूजर ने सोनू की उस वक्त की फोटो शेयर की जब उन्होंने राज कॉमिक्स के किरदार नागराज पर बने शो की शूटिंग की थी। तो दोस्तों, जो था बता दिया। देखते रहिए, सुनते रहिए और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बजाना ना भूलें। मैं फिर आऊंगी, फिर बताऊंगी एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर। सी यू अगेन। वार्ता राफ्टी, आपका नजरिया, आपकी आवाज़।